न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जी भ्रष्टाचार और काले धन को मिटाना चाहते हैं, कानून 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 लाने की बात करते हैं। ऐसे भी ये देश में हजारों कानून है और कानूनों पे हजारों लाखों रूल्स है। अगर नए कानून बना भी लेते हैं, नए लोकपाल ले आते हैं, नए लोकायुक्त ले आते हैं, आखिर में ये जो लोकपाल है लोकायुक्त है वो फरियाद तो यही कोर्टों में करने वाली है जहां आज भी 10 15 20 साल तक कोई फैसला नहीं आता है, हर फैसला रुका हुआ फैसला है। तो अन्ना जो जन लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं उससे कोई फायदा होगा ऐसे मुझे नहीं लग रहा है। अन्ना चाहते हैं कि एक लोकपाल हो, 27 लोकायुक्त हो, ये 28 आदमी की जो फौज है वो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों पे नजर रखे। ये 28 आदमी क्या कर लेंगे? भारत सरकार और राज्य सरकार के लाखों कर्मचारी है, करोड़ों कर्मचारी है जिसपे उन्हें नजर रखनी है, और मैं समझता हूं वो नामुमकिन है। कोई भी लोकपाल आएगा, हो सकता है प्रोबेबिलिटी तो यही है। अगर इस देश में बड़ा प्रधान ऑनेस्ट नहीं मिल रहा है, आपको फाइनेंस मिनिस्टर ऑनेस्ट नहीं मिल रहा है, आपको सीएम ऑनेस्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको जजेस ऑनेस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपको ऑनेस्ट लोकपाल भी मिल जाए। तो मैं एक नए कानून की बात करना चाहता हूं कि सरकार एक नया कानून लाए। क्या हो ये कानून? ये कानून का नाम हो भ्रष्टाचारी पकड़ाओ खूब माल कमाओ। ये कानून का नाम ही है भ्रष्टाचारी पकड़ाओ खूब माल कमाओ। कानून सीधा साधा है। सरकार एक कानून ले आए कि कोई भी सरकारी कर्मचारी है या पब्लिक सर्वेंट है उनके लोस उनके रिलेटिव्स उनके जो सगे है संबंधी है उनके इन लोस है एक क्लासिफिकेशन कर दो कि भाई सरकारी कर्मचारी के जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, जैसे कि उनकी उनके बच्चे उनकी बेटियां उनके पिताजी उनके दादाजी उनकी पत्नी उनके पत्नी के रिश्तेदार अपने जो सरकारी कर्मचारी है उसके चाचा उनके मामा सब मिला के उनका एक बड़ा परिवार बना दो कि ये लोग जो है वो परिवार के सदस्य कहलाएंगे। और ये परिवार के जो सदस्य है उसका क्लासिफिकेशन हुआ है कानून में, और ये परिवार के सदस्यों के सिवाय सहकर्मचारी इनका भी एक डेफिनेशन हो कि वही डिपार्टमेंट का हो, ऊपरी या निचली कैटेगरी का हो, या जो सरकारी कर्मचारी है उसी कैटेगरी का हो, इतना डिफाइन कर दो और फिर कानून बनाओ कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है उसका कोई रिश्तेदार या फिर उसका सहकर्मचारी एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर सौगंध नामा करके मिलकत का ब्यौरा देते हैं, संपत्ति का पूरा ब्यौरा देते हैं कि कहाँ FD रखी हुई है, कितने गहने हैं, कितने शेयर बाजार में शेयर है, कितने प्लॉट है, कितनी प्रॉपर्टी है। तो ये सौगंध नामा पर अगर वो ब्यौरा देते हैं रिलेटिव्स या उसका सहकर्मचारी, तो ऐसी कंप्लेन करने वाले को सौगंध नामा जो कर रहा है दे रहा है उसे पकड़ी हुई मिलकत के 40% सरकार की ओर से दे दिया जाएगा। कानून सीधा साधा है कि जो पकड़ाएगा वो माल खाएगा। भ्रष्टाचारी पकड़ाओ खूब माल खाओ, तो आपको 40% भ्रष्टाचारी के 40% आपको मिल जाएंगे, उस पर आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना है। अब क्या होता है वो समझने की कोशिश करो। पहले ये समझो कि लोग भ्रष्टाचार करते क्यों है, मैं क्यों भ्रष्टाचार करूंगा? तो मुझे एक सलामती चाहिए कि भाई मेरी बीमारी हो, घर वालों की बीमारी हो, तो मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए।
दूसरा मुझे अपने घर वालों को, बीवी को सोने के गहने लाके देने हैं, इराक के हीरे जड़े हुए गहने लाके देने हैं, उसे ट्रिप कराना है, फॉरेन ट्रिप वर्ल्ड टूर कराना है, मुझे उन्हें बड़ा फार्म हाउस लाके देना है, बेटों को 2 लाख की मोटरसाइकिल, 20 लाख की कार देनी है, तो मैं अपने फैमिली के लिए, अपने इन-लॉज के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कमाता हूं, उनको खुश रखने के लिए कमाता हूं। अगर वही मेरे दुश्मन बन जाए, वही मेरे खून के प्यासे हो जाए, तो मैं भ्रष्टाचार करूंगा क्यों? अब समझ लो, आपने एक लोकपाल बनाया है, अब एक लोकपाल केंद्र सरकार के कोई 40 लाख 50 लाख कर्मचारियों पे नजर रख के बैठा है, उनके पास कंप्लेन आती रहती है, महीने में पहले महीने में 40,000 कंप्लेन आ गई। अब वो कंप्लेन की जांच कब होगी, उसमें फरियाद कब दाखिल होगी, माल तो कोई रिकवर होगा नहीं। अब नया जो कानून है उसमें एक लोकपाल नहीं है, उसमें हर एक सरकारी कर्मचारी के पीछे आपने 100-100 शिकारी कुत्ते छोड़ रखे हैं पकड़ने के लिए। अब वो फंसेगा। अब समझ लो, एक बड़ा सरकारी अफसर है, अभी उसके 3 बच्चे हैं, एक 24-25 साल का है, एक 22 साल का है, एक 20 साल का है। अब 24 साल वाला सोच रहा है कि मैं पिताजी को पकड़वा नहीं देता हूं, मेरे पिताजी अच्छे हैं, मेरे लिए बहुत प्यार करते हैं, मगर सबसे छोटा बड़ा कमीना है वो तो पकड़वा ही देगा और सब माल वो हजम कर जाएगा, 25-30 करोड़ कमा जाएंगे, पिताजी जेल में चले जाएंगे। अब बड़ा लड़का पिताजी को बहुत प्यार करता है, तो वो करेगा क्या? वो सौगंधनामा करेगा, एफिडेविट करेगा, पिताजी को जेल भिजवाएगा, सरकार से 30 करोड़ ले लेगा और फिर जेल में जाके पिताजी को कहेगा, पिताजी आप मुझे गलत मत समझे, मैं बुरा इंसान नहीं हूं, बुरा लड़का नहीं हूं, छोटे बच्चों जैसा, तुम्हारे दोनों जो बेटे हैं वैसा, ये 30 करोड़ जो आए हैं, 20 करोड़ तो मैं आपके खाते में जमा करवा रहा हूं, 10 साल के बाद आप छूटे, 30 करोड़ हो जाएंगे, आप भी ऐसा आराम से जीना। अगर छोटे ने पकड़वाया होता तो वो 30 करोड़ अपने आप अपने पास रख लेता, तो मैं 10 करोड़ लेता हूं और 20 करोड़ आपके लिए छोड़ता हूं। तो ये बड़ा लड़का, अच्छा लड़का ऐसा करता तो बुरे लड़के तो क्या करते। अब ये कानून बन जाने के बाद हर साला फिराक में रहता है कि बहनोई को कब जेल भिजवाए और कब माल हजम कर जाए। अब एक दिन सुबह में किसी बड़े अफसर का साला आ गया घर पे और कहा कि जीजाजी मुझे 5 करोड़ रुपये चाहिए, ये प्रोजेक्ट बना रहा हूं, बहुत बड़े बढ़िया प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छी कमाई है, आप भी भागीदार बन जाइए। अब वो बोले, पता है उन्हें कि ये साले साहब पहले 500-500 ले जाते थे 15-20 साल पहले, वो भी नहीं वापस करते थे, फिर वो 5,000 15-25 बार ले गए, वो भी वापस नहीं किए, 2 साल पहले 50,000 ले गए थे, वो भी वापस नहीं हुए, अब ये 5 करोड़ भी वापस नहीं आएगा। अब वो मना कर देते हैं कि नहीं भाई, मुझे कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, मुझे कोई धंधा नहीं करना है, मैं तुझे 5 करोड़ नहीं दूंगा। जैसे ही जीजा ने कहा मैं 5 करोड़ नहीं दूंगा, साले साहब ने एक स्टैंप पेपर 100 रुपये का कोरा स्टैंप पेपर वहां पटका, कहा देखो मैं अच्छा आदमी हूं, मेरी बहन का सवाल है, वरना कब का मैंने आपको जेल भिजवा देता, ये कोरा स्टैंप पेपर छोड़ के जाता हूं, टाइप किया हुआ दूसरा 100 रुपये का स्टैंप पड़ा हुआ है, मुझे कम से कम 40 करोड़ मिलेंगे जीजा, 40 करोड़। और बहन की दूसरी शादी करवा दूंगा 40 करोड़ में, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा 5 करोड़ नहीं दिए तो।
तो अब तो ये आदमी फंसा। अब भ्रष्टाचार करके क्या फायदा, रोज साले धमकाते हुए चले आ रहे। अब एक आईपीएस अधिकारी थे, बड़े तेज दिमाग वाले, गुस्से वाले, घर में फंक्शन चल रहा था, बीबी के घर वाले भी थे, इनके भी घर वाले थे, कुछ कहना सुना हो गया, बीबी को एक चाटा मार दिया साहब ने, आईपीएस अधिकारी है। अब बीबी भी आईएएस ऑफिसर है, वहां तो कुछ ना बोली, ऑफिस जाके 100-100 रुपये के स्टैंप मंगवाए दो, पूरा टाइप करवाया ब्योरा, कहां कहां साहब ने माल छिपाया है। वो घर आके बोली, देख ले ये 10 साल तू जेल जाएगा, तूने मुझे कल चाटे मारे। अब आईपीएस अधिकारी जी रो रहे हैं, बीबी के पांव धो रहे हैं, आंसुओं से गिड़गिड़ा रहे हैं कि मां मुझे माफ कर दे। बोले नहीं, अब दूसरी पार्टी रख और सबके सामने मेरी माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये देख ले स्टैंप पेपर, साले तूने इतने हराम के पैसे इकट्ठे किए कि एक स्टैंप पेपर पे तो आते नहीं है, दो पे छपवाए मैंने। अब साहब रो रहे अपनी बीबी के सामने, तो जीना हराम हो जाएगा, बीबी धमकाएंगी, बच्चे धमकाएंगे, साले धमकाएंगे, तो वो सोचेगा कि क्यों ना मैं ये सब बंद कर दूं, अगर यही लोग मेरा खून पीने वाले हैं तो मैं उनको क्यों दूध पिलाऊं। 20,000 पगार है कि 50,000 पगार है, साले जो भी करना है करो, इतने में मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, लोग अपने आप सुधर जाएंगे। अन्ना जी यही रास्ता है कि घर में जासूस घुसाओ, कोई लोकपाल से नहीं होगा, एक लोकपाल, 10 लोकपाल, 50 लोकपाल की टीम बना दो, कुछ नहीं होगा। भ्रष्टाचारियों के घर में जासूस घुसाओ, घर वाले को जासूस बनाओ। अब अपने सामने दाखला है, वाजपेयी जी की सरकार में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे महाजन साहब, प्रमोद महाजन साहब, वो मुंबई गए, सुबह सुबह में अपने ही घर में बैठे थे, उनका भाई आया प्रवीण महाजन, कुछ करोड़ उधार मांगे, उधार क्या खेराती मांगी कि मुझे इतने करोड़ चाहिए, बहुत तकलीफ में हूं। वो प्रमोद ने उसे कुछ कह दिया ना, कह दिया कि नहीं दूंगा। अब प्रवीण महाजन ने रिवॉल्वर निकाली, गोलियां मारी थी, और फिर पत्रकारों को इन्होंने बताया प्रवीण ने कि मेरे भाई के पास 23,000 करोड़ रुपया है, वो मुझे चंद रुपया देने से इनकार कर रहा था, चंद रुपया मतलब समझना कि 10-25-50 करोड़ देने से इनकार कर रहा था, तो मैंने गोलियां मार दी। अब ये नया कानून होता, भ्रष्टाचारी पकड़ाओ, खूब माल कमाओ, तो प्रवीण महाजन भला क्यों गोलियां मारता भाई को, वो स्टैंप पेपर पे सब छाप के तैयार रख के आता, कहता कि तेरे पास 23,000 करोड़ है, मुझे 100 करोड़ चाहिए, ज्यादा तो मांग नहीं रहा हूं, दे दे, नहीं तो 23,000 करोड़ पकड़वा दूंगा। और प्रवीण ने पकड़वा दिया होता तो प्रमोद महाजन अभी भी जेल में होते, 10 साल तो हुए नहीं ये किस्से को, और प्रवीण महाजन मजा लूटता करोड़ों की जायदाद का। कानून नहीं था तो प्रवीण महाजन को गोलियां मारनी पड़ी, फिर कोई गोलियां नहीं मारे, फिर तो सब यही करे। कोई सरकारी अफसर है मेरे जैसा, सीधा साधा भ्रष्टाचार होता नहीं, हिम्मत नहीं, पकड़े जाओगे डरता रहता है, तो बिल्कुल सदाचारी बना रहा 40-45 साल तक। अब वो नजर गाड़ के बैठा है कि कौन साहब है जो सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो कहां रखता है, वो कैसे अपना बिजनेस संभालता है। अब बहुत ईमानदार आदमी है, खुद भ्रष्टाचार नहीं करता मगर ध्यान रखता है अपने पूरे डिपार्टमेंट में, और फिर हलफनामा देता है, सोगंदनामा करता है, एफिडेविट कर लेता है,
कि भाई ये साहब के एसी साहब के पास इतने करोड़ रुपये है, यहाँ रखे हुए, वहां रखे हुए, अब 100 करोड़ पकड़वा दिए, 50 करोड़ पकड़वा लिए, 10 करोड़ पकड़वा लिए और 5-10 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। अब जरूर क्या मुझे भ्रष्टाचार करने की, मुझे तो सिर्फ जासूसी करनी है। तो ये कानून ला दो, भ्रष्टाचारी पकड़ाओ, खूब माल कमाओ। और आप देखो कोई भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा और कोई केस बेस नहीं चलाने का भैया। हाँ, जो भी सोगंदनामा में लिखा है, हलफनामा में जो लिखा है, वो माल बरामद होता है तो उसके साथ ही ये अफसर साहब को, ये अधिकारी को, कर्मचारी को जेल भेज देने का 10 साल शुरू। वो जेल में बैठ के अगर प्रूव करता है कि ये मेरा कानूनी पैसा है और मुझे गलत आपने रखा जेल में 1 साल 2 साल, 1 साल का 1 करोड़ रुपया देने का, अगर गलत तरीके से वो जेल में रहा तो पूरे पैसे वापस देने के और उसको 1-1 करोड़ रुपया। अब उसकी तनख्वाह सब मिला के 5-6 लाख होगी सरकारी ऑफिस में। अब 6 लाख की जगह उसको 1 करोड़ देने का कि आप जेल में रहे हमारी गलती की वजह से, तो आप 1 करोड़ रुपया ले जाओ पर साल, फिर नौकरी पे वापस आ जाओ। मर रहोगे तो जेल में आपके खिलाफ हलफनामा हुआ और पैसे मिल गए तो आप बचोगे नहीं, आप जेल जाओगे, आप केस जेल से लड़ोगे। ये क्या बात हुई कि लाच रुश्वत लेते हुए पकड़े गए, फिर भी आप तो अपील पे अपील लड़े जा रहे हो, नौकरी करते जा रहे हो, सरकार से पैसे हटते जा रहे हो, नए भ्रष्टाचार करते जा रहे हो। तो जल्दी से ये कानून आ जाए तो देश में नया इतिहास बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे।